महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बारामती सीट चर्चा का केंद्र बन गई है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी पवार परिवार आमने सामने है। हाल ही में एनसीपी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर ये ऐलान किया था कि अजीत पवार बारामती सीट से एनसीपी के उम्मीदवार होंगे, जिसके बाद एनसीपी शरद गुट ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। एनसीपी की ओर से युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि रिश्ते में युगेंद्र पवार शरद पवार के पोते हैं और वो अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। बारामती सीट के दोनों उम्मीदवारों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया। युगेंद्र पवार के नामांकन के दौरान उनके दादा शरद पवार भी उनके साथ मौजूद रहे। सुनिए नामांकन के बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा। मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूँगा। आपके पास आपके सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, पवार है, क्या कहना चाहोगे किसे आप ये चैलेंज? अभी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं पर सामने चैलेंज बड़ा है उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है और हमारे पीछे पवार साहब जैसा जैसे नेते खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। क्या क्या इश्यूज होंगे यहाँ पे, किन मुद्दों पर चुनाव में उतरेंगे? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, क्राइम बारामती में बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है, अनेक पानी का बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, अनेक मुद्दे हैं और ये सभी मुद्दों पे हम इधर काम करेंगे और करते आए हैं। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। क्या ठीक है, उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया वो मेरी भूल थी, ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की है। आखिर वोटर उसका उसके बारे में डिसीजन लेंगे।